साइबर सिटी गुरुग्राम के गांव धनकोट में राजकीय होम्योपैथिक डिस्पेंसरी व गांव धनकोट से लेकर चंदू तक सड़क के नवीनीकरण व एसीपी धर्मशाला का शिलान्यास किया और ग्रामीणों से स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देने की अपील की और गांव को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए सभी को जागरूकता फैलाने की जरूरत है। सरकार भी साफ और स्वच्छता को लेकर जागरूकता के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सभी को साथ मिलकर भारत को स्वच्छ बनाने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही गांव में सभी समस्याओं को जल्द निपटाने का आश्वासन दिया और कई विकास कार्य का शिलान्यास भी किया। गांव धनकोट में डिस्पेंसरी व गांव में धर्मशाला और गांव में जाम से निजात पाने के लिए काफी समय से मांग उठ रही थी, जिस पर कैबिनेट मंत्री राव नरवीर ने जल्द उस पर काम शुरू करवाने की बात कही। इसको लेकर एक सर्वे करवाया गया है जिससे गांव के बाहर से रोड निकाला जाएगा, जिससे गांव वासियों को जाम से निजात मिल सकेगी। इस पर जल्द कार्य शुरू होगा। आज कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने गांव में कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया और डिस्पेंसरी का उद्घाटन कर गांव को कई नई सौगातें दी, जिससे गांव और गांव के सरपंच ने विकास कार्य को विकास की बदलती गुरुग्राम की तस्वीर बताया। इस सड़क सुधारीकरण का जो आज काम शुरू हुआ है, तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए इसमें लगेंगे और 6 महीने में इसका बिल्कुल सौंदर्यकरण और नवीनकरण हो जाएगा। बहुत दिनों से इच्छा थी कि ये रोड बहुत टूटा हुआ है और मेरी ये सोच थी कि मैं इसको 4 लाइन का किया जाए, लेकिन जमीन ना मिलने की वजह से मैंने कहा जमीन नहीं मिलती तो इतने इसको तो इसका सुधारीकरण हो, इसमें ना काम आज से ये विधिवत शुरू हुआ। तो जब भी निकलता तो जब भी देखता था कि पानी सड़क के ऊपर रहता है। गांव की कई बार मांग आती है कि गांव में कभी स्कूल के पास स्पीड ब्रेकर लगाओ, फला जगह सरकार तो चाहती, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश है कि भाई स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे पर स्पीड ब्रेकर ना लगाए जाए। आपने कभी देखा हो, हम यहां से गुड़गांव से जब फिरोजपुर जीत कर जाते हैं तो तकरीबन 58 स्पीड ब्रेकर थे, कोर्ट ने सारे हटवा दिए। तो ये हम चाहते हुए भी कई बार स्पीड ब्रेकर नहीं लगा पाते, हमें कोई दिक्कत नहीं लगाने में, लेकिन कोर्ट दिक्कत करता है इसलिए हम उसमें असमर्थ है लगाने में। साथियों, सरकार आने के बाद बहुत से विकास के काम किए। एक काम जो मेन बच रहा है हमारा, वो जब हम फरुखनगर जाते हैं तो 2 जगह ज्यादा जाम की स्थिति से गुजरते हैं, एक तो धनकोट गांव में और एक चंदू गांव में। कभी भी आप जाते हो चंदू गांव में भी कई बार पीक टाइम में आधा आधा घंटा जाम की स्थिति रहती है। कोशिश ये की जारी सरकार की तरफ से, यदि जमीन लोग देते अपनी मर्जी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन से बनी हमने जमीन एक बार नहीं करी, कि लोग अपनी मर्जी से मार्केट रेट के हिसाब से भी जमीन देते तो सरकार ले देगी। धनकोट का और चंदू का एक जल्दी से जल्दी हम बाईपास बनाना चाहते हैं और कोशिश है यदि आप जमीन दे दोगे तो 2 महीने के अंदर अंदर ही हम इसकी शुरुआत कर देंगे। और उन्होंने आज यहाँ पर धनकोट का एक जो विकराल समस्या ट्रैफिक जाम की, उसको निजात दिलाने के लिए रोड का चौड़ीकरण का उन्होंने आधारशिला रखी, जो करीबन करोड़ों में लागत है उसकी, वो बनकर के तैयार होगा विद इन 6 मंथ्स के अंदर। दूसरा, एक आपके सामने जो पीछे आप देख रहे हैं, एक बहुमंजिला अपना जो है डिस्पेंसरी बनकर के तैयार हुई है, जो एक आधुनिक चिकित्सा के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है, जिसकी लागत 30 लाख रुपए के आसपास में है। और आप ये जो पीछे देखने लग रहे हैं, भविष्य के लिए 2 SC और BC कम्युनिटी सेंटर की आधारशिला रखी है। किस तरह की मांग थी और पोल्यूशन मुक्त करने की बात कही थी, तो किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करेगा गांव? देखिए, राज्य स्तरीय प्रोग्राम तो मुख्यमंत्री के द्वारा और सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं कि ग्राम पद यात्रा के दौरान, तो उसमें धनकोट गांव को आज लिया गया था, तो उसके अंदर उन्होंने विशेष तौर पर जो प्लास्टिक मुक्त कर करके जो प्रदूषण, जो प्लास्टिक जो काफ़ी टाइम बाद गलता है और लंबा टाइम उसको गलने में लग जाता है, तो उसको विशेष तौर पर बंद करने के लिए उन्होंने अपील करी। और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए वातावरण को भी शुद्ध रखने के लिए उन्हें अपील करी कि ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करके प्रदूषण को भी कम करना। थैंक यू। लगातार जाम की समस्या धनकोट बुढ़ेड़ा तक रहती है, इसके लिए कोई विकल्प? मंत्री जी ने एक सर्वे रिपोर्ट तैयार किया है, जिसके तहत मास्टर प्लान 2031 के अंदर एक सर्वे किया गया था और उस सर्वे के अंदर 500 मीटर का एक रोड जो धनकोट के बाहर बाहर निकालने का प्लान था, उस पर आज चर्चा की गई और उसी के ऊपर मंत्री जी के द्वारा आग्रह किया गया कि गांव वासियों के द्वारा जगह उपलब्ध कराने पर वो जल्द से जल्द उस 500 मीटर के रोड को निकाल करके ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाने का कार्य करें। आज कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह जी आज धनकोट गांव की, क्योंकि गांव का एक बहुत ही बड़े कस्बे के तौर पर जाना जाता है, धनकोट गांव में पहुंचे। उन्होंने आज यहां पर धनकोट का एक जो विकराल समस्या ट्रैफिक जाम की, उसको निजात दिलाने के लिए रोड का चौड़ीकरण का उन्होंने आधारशिला रखी, जो करीबन करोड़ों में लागत है उसकी, वो बन करके तैयार होगा विद इन 6 मंथ्स के अंदर। दूसरा, एक आपके सामने जो पीछे आप देख रहे हैं, एक बहुमंजिला अपना जो है डिस्पेंसरी बनकर के तैयार हुई है, जो एक आधुनिक
चिकित्सा के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है, जिसकी लागत 30 लाख रुपए के आसपास में है। और आप ये जो पीछे देखने लग रहे हैं, भविष्य के लिए 2 SC और BC कम्युनिटी सेंटर की आधारशिला रखती है।